है जेटीवी न्यूज। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित न्यू बस स्टैंड से सर्व आदिवासी समाज संगठन के द्वारा रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां सर्व आदिवासी समाज संगठन के लोगों ने आजाद मंत्री सुश्री मीना सी मंडावी के खिलाफ विगत दिनों एक समाचार पत्र में छपे बयान को लेकर आदिवासियों को गैर हिंदू बताने वाले पर राजद्रोह का मामला दर्ज कराने को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया। वही हजारों की संख्या में सर्व आदिवासी समाज संगठन के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है, जहां ज्ञापन में वर्ष 1891 में आदिवासी जनजाति समाज को प्राकृतिकवादी के रूप में जनगणना संबंधी बात कही गई है। कोयतुर गोडवाना महासभा युवा प्रभाग के बीच जिलाध्यक्ष ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आदिवासी समाज एक धर्म है, हम एक लोगों को दूसरे धर्म में न जोड़ा जाए, हमारी जनगणना दूसरे धर्मों की भांति पृथक से की जानी चाहिए, जहां ज्ञापन में जनसंख्या के आधार पर जनजाति समाज की अवधारणा को परिभाषित किया गया है एवं प्रदेश सरकार धर्मांतरण को लेकर सख्त है, जहां इसी परिपेक्ष में 7 जनवरी को एक समाचार पत्र ने आजाद मंत्री के बयान पर एक लेख प्रकाशित किया था। इसे लेख का विरोध करते हुए सर्व आदिवासी समाज संगठन ने अपनी मांग को रखते हुए धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। आज गोंडवाना महासभा द्वारा जो है एक ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित करकर, मैं कुछ मांगे हैं इनकी जो राष्ट्रपति मोदी को भेज दी जाएगी। और ये हिंदू पीड़ित है कानून के तहत, ये समाज आदिवासी हिंदू नहीं है, तो आदिवासियों को जबरन हिंदू धर्म में ये गलत है। पहली चीज, दूसरी चीज क्या है कि हमारे माननीय मंत्री जो कि हमारे उमरिया जिले से उनको विधायक पद दिया गया था और उसमें से वो शिवराज सरकार में आज कैबिनेट मंत्री हैं, जो कि आदि जाति कल्याण विभाग है, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि आदिवासी को आदिवासी हिंदू हैं, और जो भी आज जितनी पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के, इनके अलावा जितने भी पार्टियां हैं वो सभी उनके ऊपर राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। ये गलत है, हम उसका खंडन करते हैं, हम उसके विरोध में आज ये जन फैलाव के साथ जितने भी हमारे SC ST OBC ये सभी सर्व आदिवासी जितने भी समाज है ये खासा आक्रोशित है, और हमारे केवल उमरिया जिले में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में, क्योंकि उन्होंने किसी एक जिले के उसमें नहीं कहा, उन्होंने पूरे देश के लिए कहा कि आदिवासियों को अगर भड़काएंगे, उनको हिंदू धर्म नहीं लिखवाएंगे तो उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो हम उनके बातों को, क्योंकि हम आदिवासी हैं और हम हिंदू नहीं हैं, हमारे ऊपर जबरन हिंदू धर्म थोपा ना जाए। जी, ये कैबिनेट मंत्री सुश्री मीना सिंह के खिलाफ है, जो हमें, हम आदिवासी हैं, हमारा संस्कृति सभ्यता आप सब लोगों को पता है कि हिंदू धर्म से अलग है, और फिर भी वो जनजाति समाज के होने के बावजूद भी इस बात को अस्वीकार कर रही हैं। हम मीना सिंह धर्म अपना बदलना चाहे बदल दे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन हमारे रिजर्वेशन सीट को भी उन्हें छोड़ना पड़ेगा। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ही लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष, तो ये सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर किसी को कोई भी धर्म या जाति संप्रदाय मानने के लिए कोई बात कर नहीं सकता, क्योंकि वो संविधान का आत्मा है, देश का आत्मा है। इस बात को उल्लंघन करने के उसमें सुश्री मीना सिंह के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री सुश्री मीना सिंह के द्वारा आदिवासियों को गैर आदिवासी देशद्रोही कहे जाने पर आदिवासी समाज आक्रोशित होकर यह ज्ञापन सौंपने के लिए आया है कि हम आदिवासी हैं न कि हिंदू, हमें हिंदू में सम्मिलित न किया जाए, और हिंदू में सम्मिलित करके आप बदनाम करने का काम न करें, क्योंकि हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी रीति, हमारी रिवाज हिंदू धर्म से कोई मेल नहीं खाता। हम अनादिकाल से रहने वाले इस देश के मालिक आदिवासी है, दोहन हमारे समाज को करने का काम न करें, क्योंकि वो भी आदिवासी जनजाति समुदाय से है। विरोध पुरजोर गोंडवाना महासभा करता है, और यह मांगे न पूरा करने के बाद हड़ताल, भूख हड़ताल करने को और अपनी मांगों को मांगने को और पाने को जनता तत्पर है। हमारा पूरा आदिवासी समाज माननीय मीना सिंह के विरोध में ज्ञापन सौंप रहे हैं, और उन्होंने आदिवासी समाज को गैर आदिवासी कहकर
ये पूरे आदिवासी समाज को बहकाने का काम कर रही है। और जबकि 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि आदिवासी समाज हिंदू नहीं है और ये पूरे समाज को बरगलाने का काम कर रही है, इसलिए हमने पूरे आदिवासी समाज सोमरिया जिला के माननीय महामहिम राष्ट्रपति को हम ज्ञापन दे रहे हैं। और जिन्होंने इनको खुद को पता नहीं है कि मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी एक्ट क्या है, आदिवासी अधिनियम क्या है, और वही आदिवासी एक्ट अधिनियम के तहत माननीय मीना सिंह जी ने मंत्री आज विधायक बनी है। एक बहुत बड़ी दुख की बात है जो समाज को बरगलाने का काम, आदिवासी समाज को हिंदू बनाने का काम जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, उसे हमारा समाज जो है स्वीकार कर चुकी है। मैं पूरे आदिवासी समाज से अनुरोध करता हूं कि उनके विरोध में आज हम नियत तिथि करके और ये सोमरिया जिला में हमने ज्ञापन दिया है, और हम ये चाहते हैं कि वो कोर्ट में भी जाना चाहिए और कोर्ट से भी इसका फैसला